सात नंबर मिसिंग के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि आपका डेट और बर्थ में सात नंबर मिसिंग है तो आपका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और आप लोसो ग्रिड को सीख सकते हैं। इसलिए कि बहुत आसान तरीका से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सात नंबर मिसिंग के बारे में। तो चलिए सात नंबर मिसिंग के बारे में पहले बच्चे से बताते हैं। जो बच्चा को जन्म में सात नंबर मिसिंग होगा डेट ऑफ बर्थ में, वो बच्चा रात में चिहा के उठ जाएगा और वो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा बीमार पड़ेगा और नज़र दोष वो बच्चा को ज़्यादा लगेगा। कोई भी लेडीज़ अगर अपने पास बुलाता है और उससे बातचीत करता है तो उसको नज़र दोष लग जाता है, चाहे बच्चा को टोक देगा कि बच्चा अच्छा लग रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, तो बच्चा को नज़र दोष लग जाएगा जब जो बच्चा का सात नंबर मिसिंग रहेगा तब। और वो बच्चा रात में सपना भी देखता है, बाकी बच्चा होने के कारण वो कह नहीं पड़ता है और गलत एनर्जी वो बच्चा पर अटैक करता है। जब गलत एनर्जी बच्चा पर अटैक करता है तो भी रात में वो बच्चा चिहा के उठ जाता है और डरने लगता है। जब वो बच्चा थोड़ा सा सरेख होता है, मतलब कि 5 साल 10 साल 12 साल का होता है, तो वही बच्चा सपना देखने लगता है और उस सपना के बारे में वो बच्चा बताने लगता है। तो अच्छा भी सपना देखता है और बुरा भी सपना देखता है। ये 16 से 18 बरस तक वो सपना बच्चा देखेगा। कितना व्यक्ति तो बुजुर्ग होने के बाद भी सपना देखते हैं, बाकी 16 से 18 बरस तक बच्चा सपना देखेगा। अब चलाते हैं 12 बरस के बच्चा के बारे में। तो जब 12 बरस के जो बच्चा का डेट ऑफ बर्थ में सात नंबर मिसिंग होगा, तो अगर 12 बरस से और नीचे होगा, जैसे 8 बरस 10 बरस के होगा, तो अगर तन्हा रास्ता से, जहाँ सुनसान रास्ता हो, अंधेरी रात हो, अगर वो रास्ता से जाता होगा तो लगेगा कि पीछे से कोई साया चल रहा है और वो बच्चा जो है चिल्ला के उस गली से, चाहे वो रोड से भागने के कोशिश करेगा। अगर रात में सोएगा तो लगेगा कि छत पर से उसको आवाज़ मिल रहा है, चाहे कोई कमारी और चाहे गेट को बेल को बजा रहा है, तो वो बच्चा को ऐसा भी लगेगा कि कोई बाहर से गेट पर आवाज़ दे रहा है। तो वो बच्चा का जिनका सात नंबर मिसिंग रहता है, वही बच्चा को ये सब कुछ नज़र आता है और सब कुछ सुनाई देता है। ये सात नंबर जो होता है ये केतु का नंबर बोलते हैं। जब केतु आपका खराब हो जाता है सात नंबर मिसिंग रहने से, तो ये प्रभाव आप पर पड़ेगा। कितना बच्चा को कान भी खराब होने लगता है, कान का चदरा फट जाना, चाहे किसी तरह से ठेस लग जाना और पेशाब में जलन भी रहना होता है। कितना बुजुर्ग आदमी को देखिएगा कि पेशाब के थैली का ऑपरेशन भी हो जाता है, और कितना बुजुर्ग को देखिएगा कि पेशाब रुक जाता है तो उसको ऑपरेशन कराने पड़ जाता है। और ये सब में नहीं पाया जाता है, 100 में कम से कम 35 से 40 व्यक्ति में यह मामला पाया जाता है। तो सात नंबर मिसिंग रहेगा तब। और इसको लोसो ग्रिड से हम समझते हैं। लोसो ग्रिड में इसको मेटल एलिमेंट बोलते हैं। अब चलिए महिला के बारे में बताते हैं। अगर कोई महिला को सात नंबर मिसिंग है बचपने से, वो महिला को गलत एनर्जी उसको अटैक करेगा, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के फेरा में पड़ जाएंगे और बड़े बड़े बाबा के पास जाएंगे और इनसे पैसा खींचेगा और कुछ दिन ठीक रहेंगे और फिर वही हाल रहेगा। तो इनके पास भूत बाधा सब कुछ, इनके ऊपर गलत आत्मा भी इनको पकड़ लेता है, इसलिए कि आजन के हल्का होते हैं ऐसा व्यक्ति। और कभी कभी तो ऐसा फेरा में पड़ जाते हैं, 100 में कम से कम 15 से 14% व्यक्ति जो है इनको बाल बच्चा होने में भी दिक्कत होने लगता है। इसलिए कि गलत एनर्जी जब इनको धरने लगता है तो बाल बच्चा भी नहीं हो पाता है, और ये बाल बच्चा जब नहीं होता है तो तांत्रिक के फेरा में ये
पड़ जाते हैं जो बाबा जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं। तो इसलिए कि 7 नंबर जो होता है ये बच्चे के लिए भी होता है, अगर उसके साथ 6 नंबर नहीं है तो आ उनको दिक्कत होगा। और एक बात और बता दे रहे हैं कि 3 और 6 जिनका डेट और बर्थ में होगा तो पहला संतान बच्ची होगा। फिर से सुन लीजिए, 3 और 6 जब आपका डेट और बर्थ में होगा तो पहला संतान बच्ची होगा। अब चलिए 7 नंबर मिसिंग के बारे में बताते हैं। अगर ये 3 नंबर मिस रहेगा 2 और 7 और 6 तो महिला को ज़्यादा जो है आजन के हल्का हो जाएंगे और शरीर में गलत एनर्जी उनको परेशान करने लगेगा। जब ज़्यादा परेशान करने लगेगा तो ये जो है औलाद का सुख भी नहीं मिलता है। जब औलाद ऐसा व्यक्ति को हो भी जाता है तो नफरमान औलाद होता है और औलाद का सुख वो व्यक्ति को नहीं मिलता है। जब ऐसा व्यक्ति को औलाद भी हो जाता है तब तो 7 नंबर का बहुत सा खासियत होता है। बहुत सा व्यक्ति को देखेगा कि जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे तो उनका कान खराब होने लगेगा, पेशाब का रोग आ जाएगा, उनको ऑपरेशन कराने पड़ जाएगा, पेशाब का थैली का भी रुक रुक के पेशाब होगा और उनको पेशाब वाला मामला आ जाएगा, पेशाब में जलन हो जाएगा, किडनी के भी बीमारी हो जाता है। 7 नंबर इसको मेटल एलिमेंट कहते हैं और इसे केतु का भी नंबर बोलते हैं। तो अगर 7 नंबर रहता है तो शरीर को पुष्ट बना के रखता है और 7 नंबर नहीं रहता है तो आप शरीर से कमज़ोर रहिएगा और आजन के हल्का हो जाइएगा। तो इसी में आपको जो है नज़र दोष और शैतानी हरकत यह सब मामला आपके डेट और बर्थ में 7 नहीं रहने के कारण आता है। और ये मामला जेंट्स में कम और लेडीज में ज़्यादा पाया जाता है। और जो छोटा बच्चा होगा और उसका डेट और बर्थ में 7 नहीं होगा वो बच्चा में ऐसा आधा पाया जाता है। अगर आपका बच्चा में अगर इस रात में चहा के उठ जाता है और सपना खराब खराब देखता है तो एक उपाय ज़रूर कीजिएगा, लहसुनिया रत्न लेके आ जरूर पहनाइएगा। अगर डेट और बर्थ में 2 भी मिस होगा तो मोती रत्न और लहसुनिया रत्न जरूर पहनाइएगा। अगर 2 नंबर होगा तो आप सिर्फ 7 नंबर का उपाय कीजिएगा, लहसुनिया रत्न को जरूर धारण कीजिएगा और नहीं तो एक मेटल का घड़ी चाहे करा जरूर पहनाइएगा, ताकि उसके साथ लहसुनिया रत्न जरूर होना चाहिए। मेरा चैनल कैसा लगता है कमेंट में जरूर लिखिए।